वाह सबे पहुंच गए व्यास नारायण। व्यास नारायण ले हम देखी तो पांचों भाई और द्रौपदी सहित ने बड़ा प्यार के साथ स्वागत करे। पिताजी आइए आइए आइए। भरे जंगल में सब हम दुख के और कष्ट में दिन ला बितावा थन कहे पिता। ये मैं देखा बा राया ये कमा भैया का ये मोहन ये मत देखा बा राया ये कहे ये माये का ये करना तोला हो गये। व्यास नारायण कथे धर्मराज 12 वर्ष के वनवास तुम्हारे दिन बीत गए। अच्छा 1 साल के गुप्त वनवास है और ये गुप्त वनवास ला तुमन के गुजारा कहाँ चली सिर्फ यही बताए बराए हो। तो बोले कहाँ जाए अरे नगर वीरा जल्दी चले जाओ देरी मत लगाओ नगर वीरा ये नाम छुपाए के बाद सुनने वाले धर्मराज के हैं पिताजी। हाँ आप तो व्यास जी हो। हाँ अपन आपके मुंह ले ये नाम छुपाना ये मोर बस के बात नहीं। मैं तो जीवन में झूठ लवारी बोले चिनी हूँ। हाँ व्यास नारायण कहते कोई बात नहीं बेटा यदि तोला काम करना है तो तोर नाम ला धर्मराज नहीं कही के अधि कंक ऋषि बता देवे तो। ओ कंक ऋषि मने मोर रूप नाम जरूरी ठीक है भाई तोर कहे ले मैं अपन नाम ला कंक ऋषि रख दू। तो कहे द्रौपदी के नाम का रही द्रौपदी नहीं कह के नामा सालेंद्री बता दे कहे बेटा। सलेंद्री बता दे कहे लाला सुंदर काम बन जाए जब तुम्हार मन के काम है नाम बदले में बना थे तो सही नाम बताना ठीक नहीं। मन ही मन द्रौपदी मुस्कुरावे मोर नाम द्रौपदी है और व्यास जी कहा था वे की तो नाम ले शैलेंद्री रख देवे बहुत सुंदर नाम है। बलधरी अर्जुन बोकर बोकर देखे थे तो अर्जुन के तरफ देख के व्यास कहते बेटा तोर नाम और काम हा तो देवलोक में हो गए। देवलोक में हो गए हा 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 अरे तोर नाम ले अर्जुन ने ही कह कर नाम तोर ब्रह्मल्ला रही हिजड़ा के काम करवे। हिजड़ा के काम करूं कैसे अरे नाच योगाना मुस्कुरा के कहे भीमसेन अरे तोर नाम जैन रसोईया रही खाना बनाना तोरा नकुल और सहदेव के तरह व्यास नारायण देख के कथे तोर नाम ले सैनिक वाल बतावे। गैया चराना मोर काम है मैं धर्मराज के देश में रहत रहे हूँ राज में रहत रहे हूँ और उकरे मन के गायला चरात रहे हूँ। सहदेव कथे मोर का काम है तोर काम है घोड़ा के घोसार मा सायर घोड़ा ला कायर करथो मा कायर ला सायर करथो ये काम हा मोरे। ये पांचों छयो जन के जब नाम ले बदल दिन तो धर्मराज कथे गुरुजी
राजा विराट हमला को नौकरी में नहीं रखी ही तो बोले पक्का रखी। जल्दी जा जल्दी जा। सदता रोइया ना भूले रे सदा चले के तैयारी करे मोरा नगर विराट बर ये भैया मोरा चले के तैयारी करे कोई रख ले तो अच्छा रहे। राजा विराट के नजर पड़ गए तो कहे महाराज आइए आइए अंदर आइए। आप मन भटकत कैसे हो? अरे क्या करे महाराज, ये भटके के तो बातें हैं। पांचों भाई बाणों मन के साथ 12 वर्ष ले वन में हमर रहे। अच्छा, एक साल के गुप्त बनवास जब उमल्ला काटे बर हो गए तो हम लगे पर इनकार कर दिन। एकर सेती ना एकर सेती हमन नगर विराट तक आए हन। यदि हमला नौकरी मिल जाती तो अच्छा रही। हाथी जोड़ा भी ले करी के धर्मी बोले कजा नौकरी में हम रख लेना। ये पांचों छह मूर्ति वही बात बोले तो कहे ये है कौन है? ये देवी द्रौपदी के दासी है। एक नाम सलेंद्री है। अच्छा अच्छा, और आप है? मैं तो बिल्कुल धर्मराज के आगे पीछे घूमने वाला हूँ। अच्छा? मनोरंजन टाइम पास के लिए चौसर खेलत रहे हूँ। तैयार बाबू, मैं रसोईया हूँ, खाना बना रही हूँ। ओकर अच्छा रसोईया हूँ, बढ़िया खाना मोर बनाता हूँ, बहुत राजा मन पसंद करे। अच्छा अच्छा, और तय का काम करते है? मैं नाच गान सिखाने वाला हूँ। मुला ब्रहनल्ला कथे और लड़का वाला मैं नाचे गाय पर कोई कमी नहीं छोड़ा हूँ, ये मोर सदा काम है। अच्छा, और तुमन दोनों जन मुला सैनिक वाल कथे गाय के देखभाल अच्छा कर। चराए माँ मैं बिल्कुल तैयारी, टाइम बाय टाइम, मोर से कोई अरग फरक पड़े नहीं। और तय का करते बाबू, मैं घोड़ा सवारी घोड़ा मल्ले साफ करता हूँ, दाना भूसा खवाता हूँ, और जरा भी कायर पना करी तेला मार मार के शायर कर डर तो, और शायर रथे तेला कायर भी कर दे। ये दोनों काम मोर है। अच्छा, तो साल भर के लिए हमारे यहाँ नौकरी, धन हमार भाग, ताकि पांडो के दास मल्ला पांडो के नौकर ला हमन अपन घर में नौकरी देवत। जय हो या राजा तो राजा या Yeah, yeah, yeah.
कैसे रसोई खोली में घुसे सही, खाना तो डट के बना में पर वट के डट के खावे हाँ। तो यू पहली के नौकर मन का थे बाप रे बाप, एक पेट है कोटना तो नहीं हुई हाँ। एक दुहाड़ी बात तो ये क्रिचे ये साल दो साल को नो रीगे नहीं तो नगर विराट के तो धज्जी छोड़ा हाँ। अरे एक दाना नहीं बने ही हुई एक करा ही साग में अटियाग बैठे एक बटलो ही दार पूरा खा के तैयारी करते ऐसने को नो हो ही तो बड़ा मुश्किल हुई। नौकर मन किटिर पिटिर तो करत रही हाँ। पर भीमसेन के खाना के अंदाजा कोयला नहीं लगे हाँ। काबर भीम अपन मन के खाना खाना डट के खाना है, यदि माता कुंती बिठा के पांच कौरा भोजन भीमला नहीं मुंह में डालती तो भीमसेन के पेट भरे नहीं हाँ। अब अपन यहाँ के खाना है तो कई हंडी भात लखा दे हाँ। नौकर मन तिल मिला जावे है का बतावन भाई जहाँ प्रदे वो नगर मंगा राम जयकर पूछा देर भाई जावे जहाँ पांडव भाई राखे का राम जयकर। अरे देखे के राजे ये खाया लाज जब हो जावे का कैसे वो भोजन बनावे का राम जयकर। राजा के पास कहिया शिकायत जाए हाँ। पर साल भर के लिए हमें की के वो एक शब्द नहीं बोले। अच्छा कुछ दिन बीतने के बाद राजा विराट अपन पुत्र के जन्म दिवस मनाए के खातिर देश विदेश के राजा इकट्ठा किए रहे अनेक प्रकार के केलवा और मेवा बने रहे सब राजा मगन होके खात रहे। वही समय मल्ल दानो पहुंच गए और मल्ल दानो पहुंची तो ग्राउंड में आते जोर लगा के आवाज दे कोई है जो पहलवानी दिखा दे हाँ। मोला जीत ले काकरो मन मा ताकत नहीं होए राक्षस के स्वभाव ला देख के। अच्छा बाप रे बाप हम तो नहीं जाने वाला भैया हमारा हड्डी पसली तोड़ दी हाँ। बगल में बैठे हुए धर में राज इशारा कर राजा विराट ले कहे महाराज एक काम कीजिए यदि ये पहलवान के साथ लड़ने के लिए जयंत रसोईया बुला लिया जाए तो धर्मराज बोले ना तो बात ला सुन ले मैं सुन के कहे कंक जी आप शांत बैठिए। अरे वो कहाँ खाना बनाने वाला हाँ। और ये कहाँ राक्षस हाँ। एक साथ में कोई मुकाबला कर सकते नहीं नहीं महाराज एक बार तो बुला ले बार बार कंक ऋषि राजा विराट ला बोले तो विराट कहे ठीक है अरे जल्दी जाओ और जयंत रसोईया ले बुला के ले आओ हाँ। जयंत रसोईया खाली नहीं रही के का अच्छा जब तक मिर्चा हर दिल पकड़ के और सील में मार घनियात रहे हाँ। पीसत रही ने हरदी मिर्चा में सनाए रहे अच्छा आज चला के राजा ने बोला राजा जावे भैया बहुत बड़े राक्षस के समान एक पहलवान है अच्छा ओकर साथ में मुकाबला तोल करना है समझे आज तो हड्डी पसरी टूटी और तीन चार हाड़ी भात रांधे खा थसना रांध के ओ मजा आज दिखी। भीमसेन कहते बाप रे बाप बहुत दिन हो गए हाथ तो मर खजवाते छे और राक्षस के जात्री आगे तो मैं का करे धरती मिर्चा लाऊ पाछू डहर सान लिस के अच्छा उठ के अपन बैठे रही हिते मुंछ में दाव लगा ली हाँ। अरे मारे घमो जमी अंगता चल जावा ये रे आज राक्षस के संग मैं दिखा दूंगा मारे बगान ये छोड़ा और नरम होके कहे महाराज प्रणाम मुला मुला याद काबर करे हो
अरे याद तो लेकर से भी करे हम मोर मर्जी से नहीं अच्छा एकंक ऋषि जी बताइस ना तेकर सिद्धि ओ देखा था तुमने पहलवान ला भीम के थे हां देखा तो हां एकर साथ में तो लड़ना है अच्छा लड़ना है हां हां हा, लड़ना है ए मैं नहीं कहा तो एकंक ऋषि बोले है अच्छा तो लड़ना है ठीक है महाराज अरे राजा के भी प्रणाम करे और अपन भाई की तरफ मुड़ के प्रणाम करे धन्य भैया बहुत दिन के बाद में थोड़ा हाथ खजवावत रहते और जब सामने में आ गए तो वो लब्बी कर रहे हैं हाँ। अब वहाँ तो ना तलवार रहे ना खड़ंग नहीं ना सूल मोदगर कुछ नहीं हाँ। पहलवानी लड़ाई है मुटकी मुटका बजनी बजना पटकी पटकतवा अच्छा भीम सैन छलांग मार के कूद के ग्राउंड में हाँ। और कूद के कहते भाई मैं यहाँ लड़ाई सीखे नहीं हूँ यदि तोला लड़ना है तो मोर मुताबिर है राक्षस कहते जैसने लड़वे वैसने लड़ी हाँ। भीम सैन के जब गुस्सा तेज होगी अच्छा तब जंघारे ठट हो गए दोनों घोड़े मिलावा कवाजे राजा तब जंघारे ठट हो गए दोनों घोड़े मिलावा कवाजे तब जंघारे माले एक तरफ टांग एक तरफ मुंडीला अच्छा और दोनों तरफ धर के ऊपर देख के वो तो पकड़ा मारा घुमावन लागे भैया लगातार तीन चार मुटका जब मारे अच्छा तो राक्षस है चीत हो गए चीत हो गए तो मर गए रे मोदे पहले मर गए भैया मर गए नागर वासे मन बोले भाई राक्षस है भैया आज मर गए जाए बोले भैया तो हमारे बाप वाजे बड़ा बेरा साले जैसा आवे बाप वाजे राक्षस है मर गए वो दिल्ले बोला अतेक सवासी अतेक बड़ाई करे हाँ। ताकि वो दिल्ले राहाड़ी रांधना बंद अच्छा के देख दे हाँ, हाँ भैया जयंत रसैया हम तोर पर खाना बना हाँ। बैठे रहा भाई आर्डर भर फरमा अच्छा कतको झन कही अब आर्डर नहीं फरमा ही का करी गोल्लर कसका ही हाँ। है नहीं और दिन भर हमला रंधवाते अपन है एक झर राक्षस लकानी मार ले अच्छा हमर तो दुर्गति हो गए ऐसे सबके मन में जरा घुस्सा घुस्सा रहे एक दिन मतवाला हाथी पहुंच गए शहर में अच्छा रान बेचावत रहे लोग चिल्लावत रहे सियान लले के लड़का मल्ला सोन में पकड़ के और मन मारे मारे राजा के दरबार में जाके वही चिल्लाहट सह रहे महाराज एक तो राक्षस के वध हो है दूसरा हाथी मतवाला हो गया पकड़ के हाथी लबाला ले पकड़ के हाथी ला भैया पकड़ा हाथी ले वाला ले वादा करमा समय फजे जहां वो बैठे ना जल को लगावे कंकारी दी रखे फजे राजा वो बैठे ले वो बोला खावे मजे अरे भीमसेन के पास में कहां जावे शेर पकड़ने वाले शिकारी बुलावत रहे हाँ। शिकारी कहते महाराज हमन बने सिधवा हाथी पकड़थन अच्छा अब ऐसा मत वाला हाथी नहीं पकड़े सके हाँ। नहीं तो वो तो हमारा मार डर ही हमारे बाल बच्चा है महाराज ते कैसनो कर हम नहीं मारे सके हाँ। राजा ख्याल आ गए थोड़ा से जयंत्र सोये बुला के ला तो
अरे दौड़ के जाके बोले जाहिन ते एक बात सुन। हाँ। वो उधरी ते पहलवान मारे थी। हाँ। और ये दरी चार गोर के। अच्छा। काहे? हाथी है। अच्छा। अच्छा? तो ओला क्या करूँ मैं? ओला तो ओला मारे बर कहीं राजा जल्दी चल जल्दी चल। हाँ। भीम कथे करो यात्री आगे है कारे। हाँ। भीम सेन जाके हाथी ला एक दफा चिल्ला के बोले सुन ले एक तो उपद्रव करना छोड़ दे। ये रावत हाथी लला के पृथ्वी में पटक दे तो तय कौन होता है। ये रावत के बाद सुनी तो हाथी बिल्कुल कमजोर हो। अच्छा मरई बहुत दूर की बात है गुर्रई बहुत दूर की बात है वो छोड़ ला नीचे करके और भीमसेन के पास में आ गए। अच्छा भीमसेन कथे सुन तो लाइसने जो छप पकड़ के नहीं ले गा। सब जन बर रस्सी है मैं पैरा रस्सी में बांध देता हूँ मोर पाछू पाछुआ नहीं तो सोड़ ल पकड़ हूँ एक भावर घुमा के चट्टान में पकड़ पटक हूँ तोर प्राण है नहीं का समझे। हाथी कहते हाँ महाराज मैं चलते छू आगे आगे या भीमसेन आगे आगे भीमसेन चलत रहे पीछे पीछे हाथी है नर नारी देख यार काए हो गए दीदी वाह बहुत मन खेला बैरी हमारे हवे के आगे पीछे हो वह चला था वह बहनी हाथी लालन के खूटा में बांध दी सौराजल कथे महाराज पागल हाथी बंधाए है। अच्छा पागल हाथी एकर सती बंधाए रहे कि भीम के नाम ला सुन पाए। इंद्र के रावत हाथी ला तो इंद्र के इंद्रासन ले छीन के ले इस एक मुटका मारी इस नई रंगेल धरी तब कम्बल में बांध के खान में लटका लाने है तब मैं है कौन खेत के मूली हो वो खुदे आग बिचारा बंधा के खूटा में तो राजा विराट जैन रसोईया ल देख के कहे जय हो या बेटा तो राजा जय हो लाला जय हो या बेटा रे तो और देवी द्रौपति बड़ा प्यार के साथ रानी के पास में रही के ओकर बाल बनाना मांग कोरना मुकुट लगाना और दरबार तक ले जाके छोड़ एकादशी दुआस के दिन अच्छा एकादशी दुआस के दिन किच्चक अपन घर ले निकल के रानी सुदेशना के यहाँ सिर्फ एक प्रसाद पाए के आस लगा के आई। रानी सुदेशना की चकल देख के दूर ले कहे भैया आवो भैया गाय अंदर आवो दुआस के रोज आता भाई आज बढ़िया प्रसाद पाले तब है तो घर ले जान दू कथे दीदी मैं तो तोर घर में खाना खाए बर आई। अच्छा ते खवाबे तब हो खाऊ नहीं देवे तब हो निकाल समझ गए ना। रानी सुदेशना गदगद हो गई एक तो बड़ा हठीला मोर भाई आवाज अपन मन के पहुंच गए खाना देना तो जरूरी है। रानी सुदेशना कथे खाना जल्दी लगा रानी सुदेशा के आदर पहिन एक से एक दासी मल्लान के खाना रख दी। अच्छा सुदेशना सलेंद्री कथे सलेंद्री सलेंद्री दौड़ के आके कथे माँ मुला काबर बुलाए है मोर भाई की चका है
वो खाना खाना तैयारी करे थे। अच्छा, जरा से माखी मत पड़े, एक नहीं पसीना मत आवे। हाँ। समझ गए ना? और तय पंखा ऐसे लगा कि मोर भाई प्रेम के साथ भोजन। हाँ। पकड़े हाथ में पंखा, किचक सामने में बैठे हवे के के। हाँ। वो तो धीरे धीरे वहां पंखा चलावे भैया। देखे तो सलेंद्री के शकल में, मतलब खाए रही तन कौरा ला लीले पर भुला गए। हाँ। सलेंद्री ला देखे बर, जब सलेंद्री ला देखे बर भुला गए, साथ साथ में कौरा ला लीले पर भी भुला गए। अच्छा, गप ले लीली सब लील के कथे। सुदेशना, अब ये दीदी सुदेशना, दौड़ के सुदेशना आ गई और आकर कहने लगी, भैया खाना नौकर चाकर बनाते। हाँ। नमक को ना ज्यादा हो गई इत में क्षमा मांगत हो, मिर्ची तेज हो गई इत में क्षमा मांगत हो, भाई मैं खुद के तो खाना नहीं बनाऊ, नौकर मन बनाते, माफी कर देवे भैया, माफी कर देवे। किच्चक कहे सुदेशना, हाँ। ये हल्दी मिर्चा बात नहीं, ये पीछे में जो दासी खड़े हैं, अच्छा वो पुराना है कि नया है? रानी सुरेशना के थे, नया है नया। हाँ। 6 महीना हो है भाई। अच्छा अच्छा, अतेक सुंदर दासी रानी ला, मतलब ते दासी बनाता। हाँ। तोला चाहिए दीदी, यह सलेंद्री आज के भोजन रात्रि काल के खाना ला, मोर पास ले जाही। अच्छा, खाना ला तोर पास? बोले हाँ। सुदेशना सोच के कहे, हे भगवान मैं करूं क्या, यदि यला मैं हकीकत बात भी बतात हो तो ये विश्वास नहीं करी। हाँ। लगे के समय हर वक्त हर समय हर वक्त बोली मोला बोल चुके हैं। हाँ। पराया पुरुष कोई मोला कुदृष्टि नजर से देखी, होकर प्राण नहीं बचे, 5 गंधर्व मोर रक्षक है। हाँ। तो लमाटर ही कहे है ये बात, लकी चकला बताऊ तो माने भी नहीं। तब के दारी रानी सुदेशना दोनों हाथ जोड़ के कहे, बड़े भाई, भाई एक बात मोर सुन ले। हाँ। ये मोर दासी नो है जो पति के दासी है। अच्छा, जला मैं बेटी के समान माने हूँ। हाँ। ये तोर भांची लागे। अच्छा, किचक कहे सुदेशना, शहर भर के लड़की लते बेटी की बेवो मोर पूरा भाची नो है। हाँ। आज के रात्रि के भोजन सलेंद्री के हाथ में मोर भवन तक पहुंचना चाहिए। हाँ। डाकुल हो गई सुदेशना कहे, ठीक है भैया ठीक है, पर मोर बिनती सुन ले, यही यही नारी के खाती सोने के लंका पीतल हो गए। हाँ। 10 सिर 20 भुजा कट गए, यही। हाँ। नारी है मोरे रानी सुदेशना, बोला ना लावे भैया। मोरे कहना बदन मन जावा सलेंद्री के हाथ में भेज देवे कहे भाई। हाँ। यदि रात में खाना नहीं पहुंची तो सोच ले। हाँ। ये राज ले, यदि मैं अल्टी पल्टी ना कर दूं तो दुनिया में किचक कहां ना। हाँ। सुन कर रानी आ गए देवी, माना
हाँ। संध्या के समय होइस नहीं तो रानी सुलेखना भोजन बनवा के थाली में सजा के अच्छा सलेंद्री लगे थे सलेंद्री अब वो ये बेटी सलेंद्री सलेंद्री दौड़ के आके कथे दाई ते मोला काबर बुलाई हस किचक बोले है ना आज के संध्या के भोजन लाते बड़ा प्रेम के साथ ले जाके किचक के पास पहुंचा दे रानी सुरेशना कहे और देवी सलेंद्री हाँ भोजन के थाली देवी देखा ले मोठावेगा भोजन के थाली और ये तरफ किचक देखे भर ले देखीसगा हां पिए खाए धूत अच्छा आखी मुंदा गे और मस्त पलंग में लेटे है हां दरवाजा में सलेंद्री पहुंची तो ढक ले दे आई का बताऊं दीदी जहां राजा तो ये खावे का राम जी जहां पापे वके तक सुंदर ने न्या चले आज के राम जी करे अरे किचक के आखी मुंदा एक नहीं आहे गिरधारी हे मोहन आज मोर लाज बचाए के खाती निदिया देवी ला ओकर आखी में डाल दे किचक सुते है और सुते है तो मोर काज गरज पर है वोल उठा खाना खवा काका पाँव में पैजना रही से घर के भीतरी जाना है खाना पहुंचाना है ये तो एक शलू अपन पैर ले मरावे अच्छा ताकि पाँव के पजना के आवाज जरा भी नहीं आवे जैसने अंदर में घुसी से वैसने थाली ला फिसला के रख दी लोटा के पानी ला आगे तरफ गेरी ही सकेगा पर पीछे लौट के सलेंद्री दरवाजा में पहुंच गई अरे देख सलेंद्री भागता जान लेवे बरी राज मोरा लाज बरिया देवी दौड़ा तेरे सहारा लहरा दौड़ा राम जी जहां पापे वके तकाया पाना मन मावे जारे का राम जी करे वसले त्रे पोजा लावो कैसे नये लावो ते राम जी सलेंद्री के भागना किचक मन में सोचे मैं आखी भल्ला मुदे हाँ पर ये को गनी आवाज कावर नहीं देते आखी खोल के देखे तो खाना मारे है लोटा पानी किचक आही बही देख के कहते सलेंद्री सलेंद्री अब ये सलेंद्री उठ कर किचक दरवाजा लगे भैया उठ कर किचक दरवाजा खोले भाई बेबी सलेंद्री दौड़ा चला सावे नारी दौड़ा मोरे कहे देवे चले दे वाला भागन पावे पैरे किचक जावे भैया वही कहावत है नारी के दौड़े हाँ। तो पुरुष करेंगे एक बराबर हाँ। सलेंद्री बहुत दूर के दौड़ गई रही दूरियां हाँ। और किचक है दो कदम आगे बढ़ी सलेंद्री के हाथ फेंकावत रही टप ले पकड़ अच्छा का बताओ किचक देवे सलेंद्री वा बोलेगा राम जय करे वाह किचक ला भैया देवे सलेंद्री बतावा ते राम जय करे अरे पागल हां तो या किचक आवत होल बरे देवे सलेंद्री बतावा राम जय करे अपने यहां बताना शुरू कर दी मैं एकर सती नी जगह आयो किचक हां ज्ञान मन कथे की सोए नींद जगाना महान पाप है कथे
एकर सिटी में खाना ले रख दे डर के मारे जल्दी जात हो देकर कारण का है कि मोर मालकिन तोर बहनी ज्यादा देरी लगा हूँ तो मुला डांट पर ही ये डर के मारे ना मैं खाना ला रख दे हूँ आप मन खा लू हूँ और मैं जात हूँ कि चेक कहे सलेंद्री डर मोर बहनी के मत कर डर मोर कर मैं तो लतासी बना के नहीं राज रानी बना के रखना चाहत हूँ काबर की हल्दी मिर्चा पिसत बाल बनावत तोर हाथ में घाटा पर गई 25 नौकरानी तोर बाल बना ही मोर रानी बन जा रानी ये रानी के काम ले मैं बाद में बताऊं एक बात सुनो ना मोला जान दे नहीं आज 12 बजे रात के तेमोर सेवा में आवे की नहीं पहले वचन ले पहले मोला वचन दे ले तेकर बाद तोला जान दू सलेंद्री बड़ा चिंता में पड़ गए है भगवान हाहो जब ले नहीं बोलू तब ले मोर हाथ ला छोड़े नहीं अब मैं करो का ठीक है किचक में आए बारा हूँ बारह बजे रात के समय नारी के जाता हूँ एक मोर कहना मान मोर हाथ ले छोड़ तब तो बताऊ आज थोड़ा के हाथ या किचक का बोला ले हमें पता बोले बाकी बोला बोले गाना मजे तोर बोली लवा तोरे पावर चले अम्मा मजे तोरा खर खावे दुर्गा पाटे ताला पहा जावे गाना मजे जहाँ देवे ताले ते राजा वकी चकला बोले गाना मजे सलेंद्री कथे मैं नारी के जाद बारा बजे रात ये किया केली मोला डर लगते बाबा तोर राज में नहीं आके हो सके तो पारशाला में आ जाऊं काबर काबर पारशाला है मोर घर में का फर्क है या तोला मालूम नहीं है तोरे घर आवे दूरी हाय कीचक तोरे घर आवे दूरी जान से बेताले से ये राजा बैठे के चकला बोले आवाज जहां पाठे ताला माज राजा मैं हां भोजन लेके आवा आवाज तोरे घर आवे दूरी हाय मैं ओते दूर नहीं आओ यदि तोला सेवा बजवाना है तो पारसाला में ते खुदे खुश रे रही अब मैं नहीं आऊं तो मोला की बे कोई बात नहीं काबर हमन सब भाई किचक हैं घर में कोनो बुलावा था कोई किचक देख पही तो वो खिस यही बोली कैसे दूसरे के नारी घर में घुसा ले कि टेकल ले ठीक है बात बोले देख देरी मत लगा बेना बिल्कुल नहीं लगाओ देरी बिल्कुल नहीं लगाओ देरी सलेंद्री रोवत गावत मार आंसू डा आंखी भरे रहा है लाल लाल आंखी दिखत रहे और पहुंच गए सबसे पहला अर्जुन के पास अब अर्जुन देख के कहते काबर रोते थे जब आते तब मोरे घर में मोरे पास में रोनाच गाना शुरू कर देते तो दादा मर गए तोर भाई मोर दादा भाई नहीं मरे अच्छा नकुल और सहदेव कहते तुम्हार मन के का इरादा है भैयाल पूछे है भैयाल मैं पूछ लू तुम्हार मन के का मर्जी है भैया के हाँ कहे ले हम नहीं निकाल और भैया को नहीं कहे हुई तो हम नहीं हाँ कर सकते धर्मराज ला पूछते 12 बजे रात के मोला सेवा करे बर किचक बलाए है पारशाला मां अच्छा का तो राह है तेल बता धर्मराज कहते द्रौपदी ते नारी जातस नारी जाति अपन मर्यादा ले लांगे नहीं सके अपन मर्यादा ला कोनो हालत करके बचाते हैं अरे एक महीने के बात है ईमान से गौ की बाप की अदिते अभी ओकर ला मतलब ओकर हाथ से तो लाज ला बचा ले एक महीना के बीते के बाद ओकर हड्डी नहीं बचा अरे एक महीना कौन पूछे आज मोर लाज बचना जरूरी मैं कुछ नहीं कर सकूं भाई एक तो 13 वर्ष के बनवास में ऐसे परेशानी है और कोनो जानत जानत में जान जाही तो कई 13 वर्ष बितावत बितावत हम बुढ़ा जब बच गए एक के जन भीम से रोवत गावत द्रौपदी पहुंच गए देखी ताले जोर से चिल्ला के रो दी अच्छा काबर की औरत मन के ये स्वभाव है चका देख के डब डबाही एक ले कोनो दूसरा आही तो चिल्ला के रोही भीम ला देखी तल जोर से चिल्ला के रोई भीम से सुते रहे तो खड़बड़ा कुट के अच्छा ए द्रौपदी
जब भी आते मोर पास में तब ते रोते गाते आते का तोर दादा मर गए का तोर भाई तब के दारी द्रौपदी के मती ठिकाना में नहीं रही मोर दादा नहीं मरे मोर भाई नहीं तो चारो झन भाई पटपट ले मर गए थे एक के झन जियत की तोर कर आए हो तहु सलाह बता 12 बजे रात के किचक सेवा करे बर पाठशाला में बुलाए अच्छा तोर कह रहा है भीम उठ के कहे कहा है वो नलायक ला बिना मारे नहीं छोड़ो हाँ पति कहे रुक एक कनी ही खरा लागी से ठीक है बाबा ठीक है मोरा बात ला सुन लेना अरे तो ऐसने सोझे पहुंच जबे और किचक देखी तब बड़ा कठिनाई हो जाए हाँ मोरे शरीर का पन रूप ला सिलेंडरी के बना लेना अच्छा लुगरा लपेट के पहन ले मोर का पांव के पैजल लेता है अपन हाथ में डाल ले दू चार ठन चूरी ला रोले ठीक है अरोली देवी द्रौपदी तेल के थाली सजावत रहे रात रानी भेंगराज बेला तेल भीम से ना माटी तेल के टिपली लान के ढार दी द्रौपदी के थे माटी तेल मत डार नहीं तो तोर पर फिर आग बबूला हो जाए अच्छा अरे मैं हाँ ममहाती तेल लग हुआ कर बर एक कुटकुटी पीरा हो ही ते मिटा ही माटी तेल पहले पकड़ के थाली और भीमसेन अकेले चला थवे के का आज किचक के मजा बचाना पटक पटक के फावला बजावे अच्छा अब दरवाजा करे की तयाव जा रंगले पटक दी पटकी तो पांव पैजन बाज गए हाँ बाजी तो किचक के थे सलेंद्री सलेंद्री अब ये सलेंद्री भीमसेन के थे भगवान मैं सलेंद्री न हो मैं सलेंद्र आया हूँ कैसे ढंग के ला मैं ओए का नहीं 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 मुला सलेंद्री बनना है अब सलेंद्री तो भीमसेन के थे काए आ गई अंदर आ अंदर आ अरे अंदर आना मैं एक जन हूँ हाँ। नहीं जान बाबा हम है अंदर काबर नहीं जास अंदर अंदर काबर नहीं आस नहीं आन हम लाज लागते काबर लाज लागते बतावे तो वो तोर कुरिया में ना हाँ 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 तोर कुरिया में ना दिया बरत तेकर से ती नहीं आओ अच्छा दिया बुझावे तब आऊं भीमसेन काबर दिया बुझवाईस काबर कहाँ थे भीमसेन हाँ बत्ती है बुझ जाती तब पहुंच जाई हाँ और दिया बरत में कोनो पहुंचती नहीं तब ओ कर बड़े बड़े में छधारी किचक देख पाले बामुर पाले वहाँ से मैं खाला डाबू था देवाल बामुर पाले वहाँ जाता राजा से चले जावाल बामुर पाले किचक उठी सर टूप ले दिया अलमुता दिया बोले हो गया दिया भीमसेन घर के भीतरी पहली जात छन्नार छन्नार बजावे तो कथे किचक एतिया एतिया पलंग एती है एक रस से तो बोले ना दिया बाती नहीं बुदाम की के वो दे अंधरी कहानी कैसे होती धार जाता वो पकड़ के ला के अपन पलंग में बैठा ही सो बैठा के थे आज ऐसा सुंदर सेवा कर सलेंद्री ताकि रात भर मोर नींद पड़े रहे भीमसेन कथे तोर आज ऐसा सेवा बजाऊ रे देखा हाथ हो बेदी रात भर सुत हूँ बड़े फजर उठ हूँ की के जीवन भर सुताई बराए पकड़ के तेल जब होकर बदन में ढारे तो माटी तेल हपास सावेगा अच्छा तो किचक के थे कैसे बस सावा था कि कुहू ताले खिसिया जी रेंग दी था देखा ले बस सावे चाहे ममहावे मुल का करना है वो उम्मीद का दी पकड़ के जब तेल घिसे ओकर हाथ मा तो एक बखत के दबे लेकर कड़ा जाए ओकर बदन हाँ अच्छा सूते सूते किचक के थे हे भगवान मैं का करूं सियान मन कहे है नारी मन के सेवा करे मा बहुत नींद पर थे कथे बोला कैसे छटपटी लागे है रे नींद नहीं पड़े आऊ एक नहीं कहते नींद कैसे नहीं पड़त कि कहूं माई लोग इन मन फूस ले रही साथे है रिसा जाते ते कर लेटार मन नहीं कहना है रगरन दे अपन मर्जी जत का मन लग रहा थे ता अब वो चीटो पोट करत नहीं देखे ने क्या क्या तो बने दबावे कड़क के अच्छा तो वो हो कहे बार बाचेगा तो किचक सोच से नहीं नहीं नहीं
एकर दबई के मारे तुम्हार प्राण छूट जाए। तेकल ले प्रेम के साथ एकर हाथ ला पकड़ के और मोला छोड़ा लेना है। ऐसे की के किचक है सलेंद्री के धोखा में हाथ लपटकी पकड़ी पकड़ी तब भुजत लपकड़ी भुजल पकड़े त किचक थे। ये भगवान में का करो माई लोगिन मन के हाथ तो बिल्कुल नरम नरम रहते एकर कैसे कड़कड़ा ढंग के लागते। वो गेरल उठा के देखते बाप रे बाप टूरी जात मन के हाथ में चिकन चिकन रहते एकर हाथ कैसे बेंद्रा कस गर रहा है। और ये बात ला सबला सोच के किचक कथे ते कोनास तो भीमसेन कथे तोर माता हूँ तब गरज के भीमासन जा उठ के बोले मैं सलेंद्री नहीं सलेंद्र आया तोर हकीकत में मौत। जब ये बात सुनी तो दोनों जने पटकी पटका मुटकी मुटका बजरी बजरा हो गया लड़ाई। और देवी द्रौपदी पाछू पाछू आके झाक झाक के बिचारी देखत रहे पटक बाबा पटक कहा है तो कहा पटकत है। दोनों के मते रहे लड़ाई और लड़त लड़त भीम से लजब जो से आवा तवे के पकड़ के भीम से उठावना लगे भैया बाजे मोहन ये कया भावना को मावना लगे भैया ये भाई जमीनों में बेटे वो धावा जब मारे तो ना का मुंह ले खून फेंक दे। अच्छा और खून जब फेंका देखी तो द्रौपदी दौड़ के आ गया। और दौड़ के आके अपन अचरा मां वो जम में खून रही तेला पोंछा थे। अच्छा पोंछा थे तब भीमसेन हा बोकर बोकर देखा का बताऊं वो देवी माने माथे मा बेचारे का दम जे करे एला कथे नारी पे चले थे चकला पोंछा का दम जे करे। अरे नारी के खाती अब ये द्रौपदी तोला शरम नहीं लगे का पति के राहत ले पराया पति के सेवा करत है। बहाते खुला तेल पोछे पर बैठे हस तोला थोड़ा शरम नहीं है का तोला जला लज्जा नहीं है का ककरो बोली नहीं सुना द्रौपदी अपन खुला साफ करत रहे। अच्छा साफ करके दोनों हाथ जोड़ के कहे प्राणनाथ यदि किचक के खून एको बूंद जमीन में गिर जाती तो और किचक तैयार हो जाती। एक जने किचक ला तो मारत मारत अतक देरी हो गए और किचक तैयारी होती तोला मारत में कतका देरी होती। एकर सेती एकर खून ला मैं यहाँ कपड़ा में पोछ दे हूँ खून में कतका शक्ति तोला मालूम नहीं है। जतका ये भारी माँ खून छटके है एमा ढेकुना रेंगा थे वो किचक के खूने। अच्छा औनी पत्यावत ले आ पानी में धो देता हूँ तरियम लेके धोवे पूरा जोग बन गिर है। ए हरे किचक के खून समझ गए ना भीमसेन का थे बाप रे बाप किचक में नहीं मारे हैं द्रौपदी किचक लताई मारे हैं। आज सुना के भीम आया बोला था कि वो मारे हैं द्रौपदी ते हमारे नारी ते हकीले मेला बोले गाना मजे नाने करा फाजे राजा के सारा वो लिखे गाना मजे वहाँ पाठे साला माफे मालिके करा ठाकर गाना मजे भीम से लग थे जल्दी चल जल्दी पहावा थे। द्रौपदी के बोली ले सुन के भीमसेन के थे पहावन दे मारे हाथ एकर सेती थोड़ा से लिख के टांग देता हूँ। अई तते हक
काली के पकड़े हम आज पकड़ा जाबो अच्छा अरे वैसा नहीं तंग देखत रह मैं लिख देत होते हां तेहु पढ़ लेबे आए काए रानी के भाई या राजा के सारा भैया अच्छा रानी के भाई या राजा के सारा देवेगा का कीचक कौन मारा मया मारा ले भाई कीचक कौन मारा मया मारा ले भैया लिखा के भी माफे ना बाबा संगे ना लिखे रहे भीम रानी के भाई राजा के सारा किचक ले कौन मारा मैं मारा अच्छा चल दिन घर मा हाँ बहुत बड़ा फजर पता चले कि पारसाला में किचक मारा गए तो भले कौन किचक मारा गए बड़े मारा गए हाँ बड़े है तो ज्यादा उपद्रव करे थे हाँ ए बात ला सुनी तो रानी राजा मार रोवत धोवत सब माई पीला सक लागे किचक मन मार चिल्ला चिल्ला को रोवत है और रोवत रोवत मंत्री है देख परिस और मंत्री है पढ़ के देखे है रानी भाई राजा सारा किचक कौन मार मैं मार नहीं 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 मैं नहीं मारा महाराज मैं हाथे नहीं लगाया हूँ हाँ। कल के दिन ना कल के दिन ना मैं किचक ला देखे नहीं हूँ हाँ। राजा कहते एक उम्र है 40 साल हो गए है 40 साल लग गए चश्मा नहीं फिट करा रही तो ददल की देवे डॉक्टर घर जाकर चश्मा लगा ली अरे वो जमाना में चश्मा नहीं रही हाँ। अभी के जमाना में चश्मा है तो दूसरा पर के कहते रानी के भाई राजा के सारे की चक्ल कौन मारा मैं मार नहीं नहीं महाराज मैं नहीं मारे वो की बाप की आते ते मैं अपन विश्वास लगा बताऊं मैं हां दो तीन दिन हो गए की चकला देखे अच्छा राजा खुद पढ़ के देखे रानी की भाई राजा के साला की चकला कौन मारा मैं मारा ओ मारने वाला है सही लिख दे हाँ। और जो ने हाँ पढ़ते तो ने पढ़ते अच्छा ये बड़ा कलंक है अरे जो हो गए तो हो गए बहुत समय हो गए भैया ये ला जलाए वलाए पर स्मशान घाट ले चलो हाँ। तो सबो भाई मन मिलके और लासला उठावत रहे हाँ। भीमसेन कह रही से खाना खा के पेट भर हाँ। उठाऊ तो लाश मैं पर खांद में नहीं भैंसा गर्व मन का तो लझीकत नहीं ले घूत मैं भीमसेन सब माई पीला मिल के उठावे कका अच्छा लास्ट दसमस नहीं होवे लास्ट दसमस नहीं होवे राजा के थे ते कर ले जाए रसोईयल बुला के लाओ यदि ओकर से उड़ जाए तो ओकर तो सब करनी है रकाबर नहीं आई हाँ ओ उठाए सन करी उठाए सन करी महाराज नहीं उठाते एकर पैर में रस्सी बांध के खींच के देखो का हाँ तो जियत के सब मोह है कका हाँ आदि प्राण है निकल गए नहीं तो जैसने बने वैसने में लटारो भैया और ये लटारो जैसने बने वैसने लटारना है सो टारो हाँ भीमसेन कहते खींचो खींच के देखो का अरे देख रे बेटा जैसने मने लग तैसने देख ले रस्सी बांधी सब खींची तक खर 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 खींचा गए राजा कहते रोक बे मत नीचे भाग जा है हाँ भोला ला पूछे पार्वते बाकला पूछे पार्वते भोला ला पार्वते वो तकला पूछे पार्वते रामा हरि दर्शना लेकर चीता में भी लेकर रामा हरे दरा साना खबा होएगा भोला ला पोछे पान बजे रामा हरे दरा साना खबा होएगा हरे दरा सना बाबा खोला ला मुझे पान